दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 70s और 80s के दशक के एक ऐसे दबंग अभिनेता के बारे में जिनको देखकर अच्छे अच्छे लोग कांप जाते थे। और इनका रॉब कुछ इस तरीके का था कि इनका नाम सुनते ही रजनीकांत ने भी फिल्म तिरंगा में काम करने से मना कर दिया था। दोस्तों गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता राजकुमार का असली नाम था कुलभूषण पंडित, जो कि पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। राजकुमार मुंबई में जिस थाने में पोस्टेड थे वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। तो एक बार पुलिस स्टेशन में डायरेक्टर बलदेव दुबे कुछ काम से आए थे। वे राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म शाही बाजार में उनको बतौर एक्टर कास्ट कर लिया था। चूँकि राजकुमार अपने एक साथी की बात सुनकर पहले ही एक्टर बनने का मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपने सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और फिल्म का ऑफर मंजूर कर लिया। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हो तो बता दें कि राजकुमार की गिनती अपने समय के सुपरस्टार्स में की जाती थी। उनकी एक्टिंग स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी जितनी बेहतरीन होती थी उतनी ही इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ के किस्से भी होते थे, और वो सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। या अगर सीधी सी भाषा में कहूँ तो ये समझ लीजिए कि वो अपने टाइम के सलमान खान थे। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग किस्सा आपको बताते चलूं कि राजकुमार और गोविंदा जब अपनी फिल्म जंगबाज की शूटिंग कर रहे थे तो उस समय गोविंदा एक शानदार टी शर्ट पहने हुए राजकुमार के साथ शूटिंग खत्म होने के बाद वक्त बिता रहे थे। तभी राजकुमार ने उनसे कहा, यार तुम्हारी शर्ट बहुत ही शानदार है। इस पर गोविंदा यह बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गए। तो उन्होंने तब राजकुमार से कहा, सर आपको यह टी शर्ट पसंद आ रही है तो आप रख लीजिए। राजकुमार ने उनसे टी शर्ट तो ले ली और गोविंदा भी इस बात पर काफी खुश हो गए कि राजकुमार उनकी दी हुई टी शर्ट को पहनेंगे और उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दो दिन बाद सेट पर उन्होंने देखा कि राजकुमार ने उस शर्ट का एक रुमाल बनवाकर अपनी जेब में रखा हुआ है। इनका एक और किस्सा मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों राजकुमार अपने नाम की स्पेलिंग में आर के बाद डबल ए लिखते थे। एक फिल्म रिलीज पर थी, उन्होंने कहीं पढ़ लिया और अपने रोबिले अंदाज में प्रोड्यूसर को फोन करते हुए कहा, जानी तुमको मालूम नहीं है हमारे नाम की स्पेलिंग में राजकुमार नहीं बल्कि राजकुमार लिखा जाता है, मतलब कि आर के आगे डबल ए लगाया जाता है। और तुरंत ही उस प्रोड्यूसर को बैनर चेंज करने के लिए कहा। अपने नाम की ही तरह उनके हमेशा राजकुमार जैसी जिंदगी रही। दोस्तों ऐसे कई सारे और भी किस्से हैं जो राजकुमार की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।